हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई स्पीसी अकेडमी दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है किसके लिए एस एस सीजल और सी एच जो एग्ज़ाम आने वाला है सी एच एस एल बहुत सी एच और एस एस सी है ठीक है सीजल मीनस जो कि मार्च में बस काफ़ी कम टाइम बचा है एक दो या तीन दिन ही दिन बचे हैं इसके अलावा एम भी आने वाला है तो इसके लिए मैं वन वर्नमर्स ट्यूशन का पार्ट लेकर आऊँ टॉप फोटी थर्टी देखिए ऐसा लगाइए ये सब प्रीवियस आया क्वेश्चन है ठीक है तो वक्त नहीं लेते हैं आपको बर्बाद करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वन हु मेक्स स्पीचेस मैं जो स्पीचेस लिखता है फिर स्पीचेस बनाता है जो भी करता हूँ तो क्या कहते हैं उससे ऑरेटर कहते हैं एस्ट्रोनॉट कहते हैं पायलट कहते हैं फिर रेसिपी कहते हैं तो क्या हो जाएगा ऑरेटर हो जाएगा नहीं, नहीं बहुत अच्छा वक्त है बोलने वाला ठीक नहीं सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है वन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली लिगली टू द कंट्री मतलब जो कोई भी सामान जो इलीगली कंट्री के अंदर लाता है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं कस्टमर कहते हैं या फिर आर टी या फिर स्मगलर या फिर क्रिमिनल क्या कहते हैं उसे <coughs> तो क्या कहते हैं उसे स्मगलर याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड क्या है लवर ऑफ़ गुड फूड लवर ऑफ गुड फूड ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट फिलोम्यूज फिलोगाइनिस्ट या फिर फिलानथ्रोप देखिए इसका लगाइए आंसर क्या होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर गवर्नमेंट मतलब जो बहुत खाना खाता नहीं उसे खाना बहुत पसंद है यानी कौन हो जाएगा पेटू नहीं पेटू होते चटोरे चटोरे टाइप के चटोरे टाइप के पेटू तो वही है इसका आंसर ठीक है नहीं सकते हैं नेक्स्ट अवर्ड क्या है चाइल्ड चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर मतलब कब बच्चा पैदा होता था उसके पापा खत्म हो जाता है। तो क्या कहेंगे उसे पॉस्थ्यूमर्स कहेंगे इन्फेंट कहेंगे स्केलेटन कहेंगे या फिर जिटिमेट कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे मरणोपरांत नहीं मरने पिताजी के मरने के बाद पता है, कौन होगा पॉजिटिव ठीक है नहीं देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ फॉर हनी बीस ठीक किसके लिए सेंटर है हनी बीस के लिए आर्टिफिशियल सेंटर बताएगा तो बनाया तो उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं कि कहते हैं रिजर्वा कहते हैं क्या उसे या फिर एवियरी कहते हैं या फिर एपियरी कहते हैं फिर हाइप कहते हैं क्या कहते, है? कहते हैं उसे बताइए क्या है तो उसे क्या कहते हैं का तो याद रखिएगा ठीक है नहीं देखते नेक्स्ट में वर्ड क्या है वेरी प्रेजेंट टू ईट तो क्या होगा इसका आंसर पहले टेबल होगा पोटेबल होगा ए टेबल होगा हो या ई टेबल होगा क्या होगा बताइए इसका आंसर आप लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो काफी स्वादिष्ट नहीं प्लीजेंट हो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पहला टेबल ठीक है नहीं सकते नेक्स्ट हम वर्ड क्या है ऑल पावरफुल यानी कि सारी ताकत इसी के अंदर है ऑल पावरफुल तो ऑप्शन क्या है ओमनी प्रजेंट है इनिक्यूटियस है या फिर ओमनी पोटेंट है या फिर ओमनीशियनट है बताइए इसका आंसर क्या होगा लगाइए इसका आंसर आप क्या हो क्या जाएगा ओमनी पोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली ठीक नहीं सकते नेक्स्ट वर्ड क्या है प्लांट और एनिमल लिविंग प्लांट और एनिमल लिविंग एनिदल मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है जो उसे क्या कहेंगे डिपेंडेंट कहेंगे फ्लैटर्स कहेंगे क्र्यू कहेंगे पैरासाइट कहेंगे तो जो प्लांट एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जैसे कि कोई एक एनिमल एक प्लांट होता तो है दूसरे प्लांट को खाता है या फिर कीड़ों को खाता है उसे क्या कहते हैं पैरासाइट कहते हैं पैरासाइट ठीक है परजीवी पर नहीं सकते ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वा पीरियड मतलब कोई भी चीज़ें बहुत कम समय के लिए बहुत थोड़े टाइम के लिए तो ऑप्शन आपके सामने बेवरेज है वर्ड एफ है या फिर वॉचर है क्या होगा इसका आंसर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो एफ एम आर एल एफ एम एम एल होता है छड़ा भंगुर को चीज़ बहुत कम टाइम के लिए ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट अराउंडेड बाय सी तो ऑप्शन आपके सामने आइसलैंड लैंड पेन सुहा आइस नहीं आई लैंड और के जो और गल्फ तो लगाइए इसका आंसर आप तो क्या होगा पैनल तो जाएगा क्यों हो जाएगा देखिए अगर हम लोग कहते हैं कि जो सराउंडेड वाला सी है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था आइलैंड होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है देखिए की वर्ड है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको की वर्ड ये है कि ऑलमोस्ट लिखा यानी कि पूरी तरह से सराउंडेड नहीं है ऑलमोस्ट है लगभग लगभग है पूरी तरह से नहीं लगभग जब, जब पूरी तरह से हो तो उसे कहते हैं आई जब पूरी तरह से ना ऑलमोस्ट हो तो उसे कहते हैं पेन याद रखिएगा ठीक है तो पेन आंसर होगा इसका नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग हैंड राइटिंग तो जिसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग उसे क्या कहते हैं कैलीग्राफी कार्टोग्राफी सोलिशियस या फिर सनेरियो तो जानते हैं इसका आंसर आप ऑलरेडी क्या हो जाएगा इसका आंसर कैलीग्राफी ठीक है सकते नेक्स्ट हमारे पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। ऑप्शन आपके सामने फिलिस्टाइन इंसिपिट सेवियर कैप्टर लगाइए इसका आंसर आप क्या हो जाएगा मतलब ये जो इंसान है मतलब जो आर्ट और लिटरेचर से बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि इसकी विचारधारा के बहुत संकुचित है तो इसे क्या बोलते हैं फिलिस्तीन बोलते हैं क्या फिलिस्तीन मतलब इसकी संकुचित विचारधारा ठीक है अशिक्षित बोल सकते हैं कुछ ही बोल सकते हो नेक्स्ट वर्ड क्या है पर्सन हु कैटस टू द रिच तो ऑप्शन क्या है साइकोफेंट है सर्वेंट है अटेंडेंट है या फिर एडवाइजर है बताइए इसका आंसर आप क्या हो जाएगा यानी कि जो क्या काफ़ी चुवाल खोरी करता नहीं तो क्या हो जा जाता जा है सर साइकोफैन कहते हैं क्या साइकोफैन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग मतलब ऐसा प्लेस जो किसके लिए फिक्स है मीटिंग या असेंबलिंग के लिए ऑप्शनों तो के सामने वेन्यू रेंडेज और डिपॉजिट्री या फिर अलमा मीटर लगाइए इसका आंसर आप तो क्या जाएगा जहां पे मिलने का साल कहते हैं उसे कहते हैं सभा का स्थान उसे क्या कहते हैं याद रखिएगा हमेशा रेंडेजवस क्या रेंडेज याद रखिएगा ऑप्शन बहुत अच्छा है ठीक है नहीं सकते नेक्स्ट कि वर्ड क्या है पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेस पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेस तो क्या कहेंगे उसे पैनेग्रिक लेटर एस फिक्शन क्या हो जाएगा मतलब गुणगान करते नहीं नहीं गुणगान करते हैं। तो, क्या क्या तो क्या हो जाएगा इसका पैन ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा वन हु राइट्स हिज ओन लाइफ मतलब जो अपनी लाइफ खुद लिखता है अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो क्या होगा इसका आंसर ऑटोबायोग्राफर क्रिटिक ऑथर बायोग्राफर इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑटोबायोग्राफर मतलब अपनी आत्मकथा जो लिखता है खुद आत्मकथा हमेशा खुद ही लिखी जाएगी तभी तो आत्मकथा नाम है उसका अगर ये लिखे कि ए, वन हु राइट्स अदर लाइफ या दूसरे लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं बायोग्राफर लेकिन खैर इसकी तो बात ही हुई तो ये छोड़िए ठीक नहीं सकते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है पर्सनल बिलोंगिंग्स इक्विपमेंट्स ई तो ऑप्शनों के सामने लगेज है बैगेज है पैरा है और वेंडल है ठीक है लगाइए इसका सारा तो क्या जाएगा अपना अपना निजी सामान उसे हमेशा क्या कहेंगे पैरा फर्नेली क्या पैरा फर्नेली या रखेगा हमेशा ठीक नहीं सकते नेक्स्ट हमारे क्या है वन हु कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इज इन इट इज इन ए बुक मतलब या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इसे बुक में अरेंज करके लिखता है उसे क्या कहते हैं ऑथर कहते हैं राइटर कहते हैं रेनेजेट कहते हैं फिर कंपाइलर कहते हैं क्या कहते हैं बताइए आप तो क्या कहते हैं रचयिता लेखक उसे क्या कहते हैं कंपाइलर याद रखेगा ठीक नहीं सकते टाकिंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्टेट अफेयर्स तो यह बहुत आसान सा है टेकिंग एन इम्पोर्टेंट मतलब स्टेट का जो भी काम करता है उसे क्या कहते हैं इसमें ऑप्शन आपको सीधे दिख रहा होगा स्टेट्समैन क्या हो जाएगा स्टेट्समैन ठीक जो आसान है वो डायरेक्ट बता दूंगा बाकी देख लीजिएगा आप तो पर्सन प्रटेंडिंग टू बी ही इज़ नॉट मतलब एज अ पर्सन जो प्रटेंड करता है कि जो वो हो नहीं लेकिन वो दिखाता कि मैं ये हूँ तो उसे क्या कहते हैं इंपोस्टर कहते हैं लायर कहते हैं विग्ड कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल कहते हैं तो जो पर्सन जो हो ना अब वो दिखाने की कोशिश कर सके कहेंगे हम लोग कहेंगे ढोंगी कहेंगे तो ढोंगी क्या है ये है ठीक नेक्स्ट देखते नेक्स्ट नंबर वर्ड क्या है वन हु स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलता हो ठीक है ईगोइस्ट ईगोटिस्ट एग्नोस्टिक और एथीस्ट तो आसान सा है, जो अपने बारे में बहुत बोलता तो से कहता है इगोटिस्ट कहता है इकोटिस्ट मतलब ये जो है अहंकारवादी यानी अपने बारे में बोलेगा नेक्स्ट नंबर क्या है वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक मतलब जो जिसे बुक्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद है ठीक है तो उसे क्या कहेंगे बिब्लियोफाइल फाइल कहेंगे बेनिफिशियरी कहेंगे रेसिपिएंट कहेंगे फ्लैटलिस्ट कहेंगे लगाइए इसका आंसर आप तो, तो आसान है क्या है बिब्लियोफाइल फाइल ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एम वर्ड क्या है वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज तो ऑप्शन के सामने इंसॉल्वेंट पुअर डेस्टिट्यूट और पॉपर तो क्या हो जाएगा इसका जो तो दिवालिया होगा यानी कि जो अपने जो भी खर्चा पे नहीं कर पा तो दिवाली तो कहेंगे तो क्या कहेंगे उसे इंस्टॉलमेंट यानी कि दिवाली होगा जो नेक्स्ट वर्ड क्या है वन हु लिप्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब जो दूसरों के लिए ही काम करता है दूसरों की भलाई के लिए काम करता है दूसरों का भला चाहता है हमेशा तो ऐसे आंसर के हम लोग क्या कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं सेंट कहते हैं रेलक्यूज रेकलियूज कहते हैं या फिर नारक कहते हैं तो क्या कहते हैं आल, मतलब क्या परो, परोकर, होता है परो परोकार नहीं परोकारी होता परोपकारी नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस क्या होगा इसका एस्ट्रोनॉट होगा रेसिपियंट होगा मिस्टेक होगा पैट्रियट होगा लगाइए इसका आंसर आप तो आसान है एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं ठीक है अंतरिक्ष में जाते हैं नेक्स्ट हम वर्ड क्या है वन हु लिव्स अलोन एंड अदर जो अकेला रहना पसंद करता है दूसरों को मतलब अवॉइड करता रहता है तो ऑप्शनों के सामने रेक्ल्यूज है सेंट है हार्मेट है या फिर एलियन है लगाइए इसका आंसर आप तो कौन है जो बैरागी नहीं हो जाता वैरागी इसका आप लिख लीजिए मतलब जिससे कि आपको याद रहे तो रेक्ल्यूज आंसर होगा ठीक है रेक्लूज होना वैराग मतलब जो विरक्त हो जाते हैं मोह माया से तो क्या है वैरागी हो जाता है वैरागी तो वही है इसका आंसर ठीक है वैरागी नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है वन हु डाउट द साउंडनेस ऑफ इन्फ्रेंस तो ऑप्शनों के सामने क्या है एस्केटिक है हार्मिक है एस्थेटिक है और स्केप्टिक है तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका एस्थेटिक ठीक नहीं सकते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है फ्लूंट फ्लुएंट फ्लूएंट स्पीकर ऑफ मनी लैंग्वेजेस मतलब जो बहुत सारे लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली बोल लेता हो बहुत आसानी से धारा प्रभाव में तो ऑप्शन आपके सामने एम है पॉलीगॉट है क्यूरेटर है और कैनिबल है आसान है इसका आंसर है

डैमेज नहीं कर सकता यानी कि जो अखंड है अभेद है ठीक तो है तो उसे कहते हैं इनवलबल तो उसकी हिंदी लूल जैसे नहीं अ, आ, अखंड नहीं है यानी कि बोल सकते हैं अभेद है ये नहीं अभेद लिख लीजिए आप नहीं सकते नेक्स्ट वर्ड क्या है दैट कैन नॉट बी टच्ड और फील जिसे ना ही टच किया जा सकता ना फील किया जा सकता है तो ऐसे की चीज क्या होती है इम्प्रैक्टिसबल या फिर इम्पेलपेबल या फिर इन इनपरसेप्टेबल या फिर तो क्या होगा बताइए तो देखिए इसमें आंसर सारे गलत है मेरे ख्याल से क्योंकि ऐसी चीज़ क्या होती है जिससे हम छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो क्या होता अमूर तो थी ना अमूर्त तो अमूर का आंसर क्या होता है अमूर, अमूर होता है इंटेंजिबल क्या होता है मेरे ख्याल से तो इंटेंजिबल होगा और बाकी आंसर अगर कुछ हो तो आप बता दीजिएगा शायद मुझे पता ना हो पर मुझे जहाँ तक लगता है उसका आंसर इंटेंजिबल होगा जो अमूर्त हो ठीक है जिससे फील नहीं कर सके नहीं जा सकते नहीं टच किया जा सके तो नेक्स्ट हमारे किलिंग ऑफ ए किंग यानी कि राजा को मारना तो क्या कर लाता उससे उसे, उसे कहते हैं जिनोसाइड कहते हैं रेजीसाइड कहते हैं पार्टीसाइड पैट्रीसाइड या फिर होमीसाइड तो आसान है क्या है पैट्री रेजीसाइड ठीक है राज हंता नेक्स्ट मार लवर ऑफ वूमन देखिए जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही मतलब पसंद करता नहीं पीछे पड़ा रहता है महिलाओं के ऑप्शन क्या है फाइलोगैनिस्ट फाइलोगेमिस्ट फाइलोम्यूज या फिर माइजोगस्ट तो ये भी आसान है क्या है वायलोगेनिस ठीक है ये फिलोगेनिस जो भी आप बोल पाए नेक्स्ट क्या है वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक तो क्या हो जाएगा इसका इंटरलोक्यूटर टी टोटेलर एनोलॉगी और फॉजिल आ गए इसका आंसर आप तो जैसा कि टोटो चिल्लर मतलब जो, जो ड्रिंक्स दूर रहता हो ठीक है, है? एपस्टेन होता है नहीं दूर रहता है तो नेक्स्ट वर्ड क्या है वर्ड है हमारा टू कॉज ट्रूप्स ईटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेडनेस फॉर बैटल ऑप्शन क्या है कोलोकेट डिप्लॉय डिस्पर्स अलाइन मतलब सर जानते हैं मतलब वो इसका आंसर वो डिप्लो है अब मतलब क्या हो इसका मतलब ये हो कि हमेशा तैयार कि रहना किसके लिए सेना को तैयार रखना लड़ाई के लिए तो डिप्लॉय नहीं करते हम लोग एकदम से सेना तैयार कर देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है एनी थिंग रिटर्न इन ए लेटर आफ्टर इट इज़ साइन मतलब पहले लेटर लेकर साइन कर, कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं उसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए पोस्ट स्क्रिप्ट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है टू सेंड एन अनवान्टेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री मतलब ऐसा पर्सन जिससे हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं यानी कि वो अनवान्टारी कंट्री में तो उसे हम लोग आउट ऑफ कंट्री कर देते तो उसे क्या कहते हैं एक्सक्ल्यू कहते हैं या फिर एक्सपेट्रिएट uh, कहते हैं या फिर ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं या फिर डिपो करते हैं डिपोर्ट तो आपने सुना होगा हम लोग क्या कर देते हैं किसी को क्या कर देते हैं डिपोर्ट कर देते कि जाइए यहाँ से हमारी कंट्री से डिपोर्ट करिए डिपोर्ट ठीक नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग दिनियंस ऑफ अदर तो ऑप्शन आपके सामने डेमोक्रेट ब्यूरोक्रेट ऑटोक्रेट और फैनेटिक तो देखिए इसका मतलब समझिए मतलब ये कह रहा है कि जो पर्सन है वो रूल कर रहा है लेकिन किसके बिना किसी से ओपिनियन ले रहा है विदाउट अदर्स मतलब किसी से भी क्या नहीं ले रहा है ओपिनियन ले रहा है नहीं तो वो यानी कि अपने आप से खुद से राज करना चाहता है तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेट कहते है है, नहीं ऑटोक्रेट स्वायत शा, 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 शासन यानी कि स्वात्त यानी कि खुद से शासन करने वाला तो क्या होगा ऑटोक्रेटिक सकते। नेक्स्ट हम वर्ड क्या टू स्लैप विद फ्लैट ऑब्जेक्ट मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट पर उसे क्या कहेंगे स्वेट कहेंगे चौप कहेंगे जिनो कहेंगे तो कहेंगे नहीं प्रहार करना से। तो कहेंगे स्वेट क्या स्वेट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है पर्सन पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड मतलब जब यकीन करते गॉड ही सब कुछ है और सब कुछ ही क्या गॉड है तो ऑप्शन आपके सामने क्या है कौन होगा वो थीस्ट होगा ठीक है पैन होगा एग्नोस्टिक होगा या फिर पैन पेंटेक होगा पेंटेक तो लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कौन होगा सर सर्वीश्वरवादी नहीं जो सब कुछ ईश्वर को ही मानता है ठीक है ब्रह्मवादी बिल्कुल वाद। उसे क्या कहेंगे पैनाथीस ठीक नहीं सकते हैं नेक्स्ट हम वर्ड क्या है वन हु कैन नॉट डाई यानी कि जो कभी मर नहीं सकता है तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ऑप्शन दे देते हैं स्टेबल इमोटल परपेचुअल और पैरियल तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे तो बेटर होगा ठीक है तो गाइस हमारे साथ जुड़ जाइए और ऐसे ही मैं सारे करवा दूंगा आपको बताइए तो सौ दो सौ इकट्ठा करवा दूँ तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए